सिंहनगर से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी गई है। अज्ञात बदमाश ने खुद को गोल्डी बराड़ का नजदीकी बताया है। बदमाश ने व्यापारी को दुकान खाली करने के लिए धमकी दी है। व्यापारी और उसके परिवार को गोली मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। अज्ञात बदमाश ने खुद को गोल्डी बराड़ का नजदीकी बताया है। बदमाश ने व्यापारी को दुकान खाली करने के लिए धमकी दी है और धमकाया है कि अगर दुकान खाली नहीं की तो फिर गोली मार दी जाएगी। व्यापारी और उसके परिवार को गोली मारने की धमकी दी है। व्यापारी और उसका परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है पीड़ित की शिकायत पर। अब बदमाश की तलाश शुरू की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में ये गोल्डी बराड़ का नजदीकी है जिसने धमकी दी है, या फिर कोई अन्य गैंग से जुड़ा हुआ। अब पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। मुख्य बाजार में दुकान खाली करवाने को लेकर लंबे समय से दरअसल विवाद चल रहा है। हेम सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेम सिंह, कौन है ये जिसने धमकी दी है व्यापारी को जान से मारने की, गोली मारने की? जी दीपिका, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को हम बता दें कि रायसिंह नगर की पुरानी धान मंडी में एक किराना व्यापारी के साथ में दुकान मालिक और व्यापारी का आपस में दुकान खाली करने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। जो मामला न्यायालय में विचाराधीन भी है और उसके बाद इस व्यापारी से अभी 2 माह पहले ही दुकान में घुसकर के अज्ञात लोगों ने मारपीट की थी, जिसकी जांच भी पुलिस कर रही है। और आज सुबह करीब 11:06 पर इस व्यापारी है राकेश कुमार, उसके पास फोन आता है और अज्ञात जो बदमाश है वो फोन करके ये कहता है कि ये दुकान आज की तारीख में अगर खाली नहीं की तो तुझे और तेरे परिवार को गोलियों से भून देंगे हम, चाहे पुलिस के पास जा चाहे किसी के पास जा, मैं गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का जो हूँ नजदीकी हूँ और तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिसको लेकर के व्यापारी काफी डर गया था और उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। संबंधित नंबर से पुलिस ने लोकेशन भी ले रही है और अज्ञात जो बदमाश है उसकी तलाश भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस मामले में थाना अधिकारी महावीर बिश्नोई व डिप्टी SP अन्नू बिश्नोई सहित पुलिस के कई अधिकारियों से हमारी बात हुई है, जो इस पूरे मामले की गहनता से जाँच कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में किसी को अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हेम सिंह, किससे विवाद चल रहा था व्यापारी का? क्या कोई स्थानीय था? क्या उसके खिलाफ भी फिर कार्रवाई की बात कही जा रही है? जी, लंबे समय से एक व्यापारी है रायसिंह नगर में जो किराना का काम करता है, उसका दुकान मालिक के साथ विवाद चल रहा था। तो उसी दौरान दुकान मालिक ने वो दुकान किसी और को, कब्जा नहीं खाली होने की वजह से किसी और व्यक्ति को बेच दी। वो जो बदमाश है जिन्होंने खरीद की है, उन्होंने करीब 1 दर्जन लोगों ने 2 माह पहले उस व्यापारी के साथ सारे बाजार मारपीट की। ये पुरानी धान मंडी की शहर का हृदय स्थल है, वहाँ मारपीट उस व्यापारी के साथ सारे बाजार होती है और उसका एक CCTV फुटेज भी आता है, लेकिन उसमें पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई जिन लोगों के फुटेज में लोग थे। लेकिन इसी दौरान करीब 2 माह बाद इस प्रकार से व्यापारी को जान से मारने की धमकी एक गैंगस्टर के नाम से दी जा रही है, जिसको लेकर के व्यापारी में काफी भय है, उसका परिवार भी काफी डरा हुआ है। ठीक है एम सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो पुलिस अब इस बदमाश की तलाश कर रही है जिसने गोल्डी बराड़ का नाम लेकर या फिर उसका कोई नजदीकी है ऐसा उसकी तरफ से बताया गया है और जान से मारने की धमकी कि दुकान खाली कर दो वरना मार देंगे।